मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास कनेक्टेड बाय सेंट्रल स्कूल एंड कॉलेज। टुडेस वीडियो फॉर क्लास सेकंड, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 8 सेल्स। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स। व्हाट इज द सेल्स? ओके, हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो हम हमें किसी न किसी सेल्स में दिखते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे पास बुक्स होती हैं, ओके, मोबाइल होता है, पानी की बॉटल होती है, चश्मे का बॉक्स होता है, या किसी भी तरीके का जो बॉक्स होता है वो सब किसी न किसी सेल्स में। ठीक है, अब इन सेल्स को किस नाम से जानते हैं, ये सेल्स में क्या क्वालिटी होती है, इसे हम आज समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल्स समझते हैं क्यूब। ओके, इस क्यूब का जो शेप है अब आप देखिए ये कैसा है। ठीक है, ये क्यूब आपने लूडो खेला होगा तो उसका जो डाइस होता है उसका एग्जांपल है कि वो पूरी तरीके से इस शेप में होगा। ओके, देन अब हम इसके देखते हैं साइड्स क्या है। साइड्स आर इक्वल, इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल है, साइड का मतलब किनारा। ये देखिए ये जो साइड होता है इनका ये चारों तरफ से इक्वल होता है, राइट? देन इफ इट हैज सिक्स फेसेस, अब इसके जो फेसेस होते हैं ये इसके चारों तरफ जो हमें दिखते हैं वो उनका फेस है। मान लीजिए जैसे ये आपकी बुक है तो आपकी बुक का टू फेसेस है, वन एंड टू। ठीक है, देन इट हैज सिक्स फेसेस। ओके, देन 12 एज एंड वर्टेक्स, 12 एज एंड वर्टेक्स, और इसके कितने हैं एज और वर्टेक्स। वर्टेक्स हम इन कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इन किनारों को हम क्या बोलते हैं, इन किनारों को हम एज बोलते हैं। दीज आर द एज एंड दीज आर द एज, चार ये अपोजिट और ये अपोजिट एक दूसरे के इक्वल है, ये कौन
corners, these are called vertex and these are called edge. Okay, ये edge हैं, ये किनारे हैं and ये corner जो इनके कोण निकले हुए हैं, ये इनके vertex. Next देखिए sphere, sphere. Okay, ये इसमें किस तरीके के faces होते हैं देखिए. It has curved face. इसमें कैसा face है? Curved, यानी गोल. Zero vertex और इसमें vertex zero होगा. क्यों? Vertex क्या कहलाता है? Vertex कहलाता है किसी shape का ये जो कोना है किनारा, ये कहलाता है. ठीक है? लेकिन इसमें तो कोई कोना है. That's why इसका क्या है? Zero vertex है and zero edge और इसका किनारा भी क्या है? Zero है. क्योंकि ये जो बने हुए हैं ये किनारे. ठीक है? लेकिन इसमें कोई भी That's why it is zero vertex and zero edge. Okay? Example देखिए cricket ball. आपके पास ball होगी, आपने देखा जरूर होगा cricket ball, football. These are the examples of the sphere. Okay? Next cone. Cone. ये देखिए आप. आप इसे देखिए आपको याद आ रहा होगा कि आपकी body क्या कुछ ऐसे ही होती है. ठीक है? चलिए देखिए. It has two faces. इसके कितने faces हैं? Two faces, front and back. Okay, faces one vertex and one curve. और इसका एक इसका vertex है. अभी देखिए इसमें vertex हमें मिला ना? ये इसका vertex है. क्योंकि इसका corner है यहाँ पे कोण. ठीक है? जैसे इसमें ये कोण मिला हुआ है, उसी तरीके से हमने वहाँ पे देखा एक कोण है और वो one vertex है. That. और एक ही वो भी कर्व एज है. जैसे ये इनके किनारे हैं. ठीक है? लेकिन ये 12 होते हैं. लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसका एक ही किनारा है वो भी कर्व है. राइट? इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं. इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, आपकी बॉडी कैप होती है, आपने समोसा खाया होगा तो उसका भी शेप आप कुछ ऐसे ही देखते होंगे. ठीक है? तो ये कौन से एग्जाम्पल. नेक्स्ट है सिलेंडर. सिलेंडर के लिए हम देखेंगे कि देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है. जैसे आपके घर की किचन में जो सिलेंडर आता है एलपीजी गैस इंडियन गैस का, वो ऐसे ही शेप में होता है. ठीक है? चलिए देखते हैं. इट हैज कर्व. ये भी क्या होता है? कर्व होता है, राउंड होता है. थ्री फेसेस होते हैं इसके. ओके? थ्री फेसेस इन द सेंस फ्रंट साइड, बैक साइड एंड अप डाउन. ठीक है? फिर जीरो वर्टेक्स एंड टू कर्व. अब यहाँ पे जीरो वर्टेक्स जाहिर है, वर्टेक्स इसका क्या होगा? जीरो होगा. क्योंकि कोण में हमें वन वर्टेक्स मिला, लेकिन सिलेंडर में कोई भी वर्टेक्स नहीं है. जीरो वर्टेक्स एंड टू कर्व. और इसके कितने कर्व है? टू. अप एंड डाउन. इसका जो ऊपर वाला शेप है वो भी कर्व है, नीचे वाला जो शेप है वो भी कर्व है. ओके? तो इसके जो एज है वो कैसा है? टू कर्व होता है. इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं चौक. आपके क्लासेस में आपने चौक को देखा होगा. देखिए ये छोटी चौक है, लेकिन ये इसका ये किनारा है देखिए. फिर आपकी वाटर बॉटल आगे देखिए, ये भी सिलेंडर जैसा है ना, पूरी तरीके से कर्व्ड है. राइट? देन इसके थ्री फेसेस फ्रंट बैक और डाउन. देन इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है. देन इसमें हम ये देखिए कि ये यहाँ पर टू कर्व एज है, किनारे हैं. तो ये भी कर्व्ड है, ये भी किनारा है, और ये भी कर्व्ड है, ये भी किनारा है. ठीक है? देन एंड थर्ड रोल. और थर्ड यानी धागे का जो रोल होता है. ओके? चलिए ये जो हमने डिस्कस किया है इसी बेस पे हम बुक एक्सरसाइज देख लेते हैं. देखिए इसे बुक एक्सरसाइज करिए. प्रैक्टिस
एंड वर्टेक्स इन द क्यूबिक शेप्स। ये जो सारी शेप्स दिए गए हैं इनमें आपको क्या मिला हुआ है, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबिक एंड कोन, राइट। अब इनमें अभी हमने जो बात किया कि क्यूब, क्यूब की कितने फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं, तो आपको राइट करना है सिक्स फेसेस, देन 12 एज एंड वर्टेक्स, और इसकी 12 एज होती है तो आपको राइट करना है 12 एज एंड 12 वर्टेक्स। इसी तरीके से क्यूबिक, देखिए क्यूबिक के सामने आपको लिखना है कि इट हैज अपोजिट साइड आर इक्वल, ओके, एंड सिक्स फेसेस, हाउ मेनी फेसेस इट हैज, इट हैज सिक्स फेसेस एंड 12 एज एंड 8 वर्टेक्स, ओके। ये आपको इस तरीके से ये वर्क करने हैं, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में भी हम देखते हैं पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 में हम ये देखते हैं कि राइट आर फॉर द ऑब्जेक्ट दैट रोल्स, उन ऑब्जेक्ट के लिए हमें रोल आर लिखना है जो रोल होते हैं, यानी अगर हम किसी भी बॉक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम उसमें थोड़ा सा एक्शन डालते हैं, रोल कर देते हैं, तो वो क्या रोल होता है या हम उसको जो है वो स्लाइड या स्लिप करता है। तो देखिए इस पानी की बॉटल को अगर हम नीचे फर्श पे गिराते हैं तो ये राउंड होता हुआ मिलेगा ना आपको, डैट्स वाई सिलेंडर, ये शेप किसका है, सिलेंडर का। तो यहाँ पे देखिए कि सिलेंडर जितने भी हैं वो सब रोल पे आएंगे। तो देखिए पेंसिल, पेंसिल को भी आप ऐसे करेंगे तो वो चल के नहीं जाएगी, वो रोल होके जाएगी, इसीलिए इसमें आप आर लिखेंगे। देन सिलेंडर में भी आप आर लिखेंगे, बॉक्स यानी टू बॉल इसमें भी आप आर लिखेंगे, बट नंबर 3 पर जो ये आपका आइसक्रीम कोन है इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे आर एस, ओके। यहाँ पर देखिए ये जो कैलकुलेटर बना हुआ है इसमें भी नंबर 6 में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर एस, ओके। देन 7 नंबर में इस पे देखिए यहाँ पर ये कार बनी हुई है, कार कैसे चलेगी, कार भी तो राउंड ही करेगी, क्यों, क्योंकि उसके जो व्हील्स हैं, पहिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ओके। देन दिस इज कोन एंड एग्जांपल ऑफ कोन, और ये आपका बर्थडे जो है कैप है, इसको भी अगर हम ऐसे ही उसमें एक्शन डालेंगे, उसे ऐसे फेंकेंगे, वो भी कैसे चलेगी, वो भी लुढ़क के चलेगी, ना कि रोल होके चलेगी। पोटैटोस, पोटैटोस में भी हम आर लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 127। इसमें देखिए इसमें टिक द सेम शेप इन ईच रो, एक रो में यहाँ पे शेप भी दिए गए हैं और इसी की सिमिलरिटी आपको यहाँ पर सर्च करना है और उसमें टिक करना है। देखिए ये क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ, तो इसे सर्च करिए कि इसमें कोन कौन सा है, उस पर आपको टिक करना है। देन बी पे भी देखिए यहाँ पे एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब को सर्च करिए और उसे टिक करिए। स्फीयर सर्किल बना हुआ है, इस पे देखिए ये यहाँ पे देखिए ये ओवल शेप है, यहाँ पे ये सर्कल है, ओके, ये स्फीयर, तो इसमें आपको स्फीयर करना है। इसी तरीके से सेकंड एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है, इट इज आल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम